तो यार क्या तुम्हारे भी प्रीबोर्ड 10 दिन 20 दिन या फिर 1 महीने बाद शुरू होने वाले हैं? तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि पूरा पोर्शन कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि इस बार के प्रीबोर्ड्स में पूरा सिलेबस आने वाला है। हाफ ईयरली तो जैसे तैसे करके पार कर दिया तुम लोगों ने, लेकिन अब प्रीबोर्ड्स के लिए काफी डर लग रहा है क्योंकि इसमें पूरा सिलेबस आ रहा है, तुम लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो यार इस वीडियो में मैं तुम लोगों को प्रॉपर गाइड करूंगा कि प्रीबोर्ड्स एग्जैक्टली है क्या, क्या तुम लोगों को सच्ची में प्रीबोर्ड्स को लेकर डरना चाहिए, क्या प्रीबोर्ड्स सच्ची में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या प्रीबोर्ड्स बहुत ज्यादा टफ आता है इसका पेपर, और क्या स्ट्रेटेजी हम लोगों को यूज करनी चाहिए जिसे प्रीबोर्ड्स में हम लोग 90% प्लस मार्क्स स्कोर कर पाए। सो हेलो पॉपुलस, दिस इज योर आइज बैंड। यार आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी रोड मैप दूंगा कि कैसे तुम लोगों को पढ़ाई करना है प्रीबोर्ड्स के लिए। तो यार सबसे पहला चीज जो स्टूडेंट के दिमाग में होता है, डाउट होता है कि क्या सच में प्रीबोर्ड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यार जो भी बताऊंगा अपनी खुद के एक्सपीरियंस से बताऊंगा, क्योंकि तुम लोगों के फेस से मैं भी गुजर चुका हूँ, ठीक है। टीचर्स ने क्या मुझे अपने टाइम में बताया था वो सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। तो यार जो प्रीबोर्ड्स है ना वो सच्ची में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो प्रीबोर्ड्स है ना इसके इंपॉर्टेंट होने का कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है। पहला रीजन तो ये है कि तुम्हारा जो प्रीबोर्ड्स है उसमें पूरा सिलेबस पूछा जाएगा, जो कि तुम्हारे हाफ ईयरली में आधा सिलेबस पूछा गया था, प्रीबोर्ड्स में फुल सिलेबस आएगा। एक प्रॉपर तुम लोगों को विजन मिल जाएगा कि तुम लोग कहां स्टैंड करते हो एंड तुम लोगों का बोर्ड्स में कैसे मार्क्स आने वाला है, क्योंकि प्रीबोर्ड्स और तुम्हारा जो बोर्ड्स है वो लगभग में सेम होने वाला है। सेकेंड चीज ये है कि स्टूडेंट को पता नहीं रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट इग्नोर करते हैं प्रीबोर्ड्स को कि यार प्रीबोर्ड्स तो ही है, बोर्ड्स तो उसके बाद आएगा, तो प्रीबोर्ड्स में खराब भी ले आएंगे तो क्या दिक्कत है, हम लोग बोर्ड्स में अच्छा ले आएंगे। लेकिन यहाँ पे वो बहुत बड़ी मिस्टेक करती है जिससे तुम लोगों का टॉपर मीडियोकर और फेलियर के बीच में डिफरेंस आता है। अब यहाँ पे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्रीबोर्ड जो है ना इसी के बेसिस में तुम लोगों को इंटरनल मार्क्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। देखो मेरे टाइम में क्या होता था वो अच्छे से सुनो। देखो हम लोग प्रीबोर्ड देके जब वापस से घर आते थे, रिजल्ट आता था ना, तो उसके बाद जो स्कूल वाले हैं ना वो प्रीबोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे सेक्शन ए बी सी डी डिवाइड करते थे। जिनका अच्छा मार्क्स आया उन्हें ए में डालते थे, थोड़ा सा कम अच्छा मार्क्स आया उन्हें बी में, उससे कम तो सी में, और उससे भी कम तो डी में। अब ऐसा क्यों करते थे, ए वाले स्टूडेंट जो होते थे उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता था, उन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, एंड उसके साथ साथ ए वाले स्टूडेंट को 20 out of 20 इंटरनल मार्क्स दिए जाते थे, एंड वही बी वाले सेक्शन सी वाले सेक्शन को 19, 18 और 17 मार्क्स दिए जाते थे। एंड इससे क्या होता है, तुम लोग सोचोगे कि यार एक दो मार्क्स इंटरनल मार्क्स कट भी जाएगा तो क्या दिक्कत है, यार बहुत बड़ी दिक्कत है। एक एक मार्क्स से एक एक दो परसेंटेज का गैप आता है, और ये तुम लोग तब समझोगे जब तुम्हारे बोर्ड्स का रिजल्ट आएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इंटरनल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो भूल से भी तुम लोग प्री बोर्ड्स को तो मिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारे स्कूल में इंटरनल मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं स्टूडेंट्स को। अब हमारा सेकेंड डाउट जो बहुत सारे स्टूडेंट को होता है वो ये है कि क्या सच्ची में प्री बोर्ड्स बहुत ज्यादा टफ होता है या फिर बहुत ज्यादा इजी होता है। कुछ टीचर्स बोलते हैं कि टफ होता है, कुछ टीचर्स बोलते हैं कि बहुत इजी होता है। यार क्लियर विजन दूं तो तुम्हारे प्री बोर्ड्स जो है वो बोर्ड्स के कंपेयर में टफ आएगा, वो लिख कर ले लो। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे टाइम में स्कूल वाले क्या करते थे कि तुम्हारे जो प्री बोर्ड्स है, हमारे टाइम पे प्री बोर्ड्स को टफ रखा जाता था एंड तुम लोगों के टाइम में भी रखा जाएगा। क्यों, अगर तुम्हारे प्री बोर्ड्स टफ रहा स्टूडेंट के दिमाग में ये भर दिया जाएगा कि यार बोर्ड्स तो बहुत टफ आने वाला है, प्री बोर्ड जब इतना टफ आया तो अगर वो माइंडसेट से तुम लोग जाओगे बोर्ड्स में एंड बोर्ड्स का पेपर फिर इजी आएगा, तो तुम लोगों को सच्ची बोलूं तो बहुत खुशी होगी जब क्वेश्चन बोर्ड्स के देखोगे, क्योंकि प्री बोर्ड्स में तो तुम्हारा माइंडसेट ये बैठा के भेजा जाता है कि तुम्हारा जो बोर्ड्स का लेवल है वो टफ आएगा एंड तुम्हारा बोर्ड्स में फिर इजी आ जाता है। इससे क्या होता है, इससे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा होता है बोर्ड्स के एग्जाम जब वो देने जाते हैं तब। अब यार हम लोग बढ़ते हैं तीसरे एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ कि भैया एक स्ट्रैटेजी बता दीजिए जिससे हम लोग अच्छे मार्क्स अपने प्रीबोर्ड में स्कोर कर पाए। तो आगे का जो वीडियो है वो और भी ध्यान से सुनना। तो यार देखो ये जो वीडियो है ना उसे तीन कैटेगरी के स्टूडेंट देख रहे होंगे, स्टूडेंट ए का 90% से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा, स्टूडेंट बी का 60-90% कंप्लीट हुआ होगा सिलेबस, और तुम लोगों का स्टूडेंट सी जो है उनका 60% से कम सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा। यही कैटेगरी
कैटेगरी में होगे तुम लोग, तो सबसे पहले स्टूडेंट सी के बारे में बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट सी वाली कैटेगरी को किस तरह से पढ़ना है। तो यार स्टूडेंट सी वाली कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनका एक बहुत बड़ा मिस्टेक ये करते हैं वो लोग कि वो लोग का टारगेट ये होता है कि हम लोगों का 60% अगर सिलेबस कंप्लीट है ना, तो उसे 100% तक कंप्लीट करना है, जो कि एकदम गलत प्रोस्पेक्टिव है पढ़ाई के मामले में। अगर तुम लोगों का सिलेबस जो है वो 60% कंप्लीट है ना, तो ट्राई करो कि 70-80% सिलेबस तुम लोग कंप्लीट करो। 100% के पीछे जाओगे तो तुम लोग अपने जो पीछे के जो सिलेबस है उसमें भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि जल्दी जल्दी में 100% सिलेबस तो कंप्लीट करेंगे, लेकिन एग्जाम देने जाएंगे तो उनका जो दिमाग होता है वो काम ही नहीं कर पाता, उन्हें समझ ही नहीं आता है कि क्वेश्चंस कहां से आए हैं। तो यार स्टूडेंट सी के जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स है ना, उन्हें बस ये ध्यान रखना है कि सपोज 10 चैप्टर मैथ्स में आ रहे हैं और उनका 5 कंप्लीट है, तो उनका ये टारगेट होना चाहिए कि 7 चैप्टर वो आराम से कर पाए एंड बाकी का जो 3 चैप्टर है ना वो पूरी तरीके से स्किप कर दे वो, ठीक है। 7 चैप्टर को वो ऐसा पढ़ ले ना कि कोई भी क्वेश्चन आए तो उसे आराम से वो सॉल्व कर ले, तो ऐसा माइंडसेट से उन्हें एग्जाम देने जाना है अपने प्री बोर्ड का। स्टूडेंट सी वाले कैटेगरी का एक और काम ये होगा कि उन्हें इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन कम से कम मिनिमम में सॉल्व करके जाना चाहिए एंड बाकी तुम लोग डिटेल्ड वीडियो के साथ साथ नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि अभी भी तुम लोगों के पास टाइम है प्री बोर्ड्स के लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं कैटेगरी बी वाले स्टूडेंट की तरफ, ठीक है। इनका सिलेबस 60-90% कंप्लीट है, इन्हें क्या करना है, इन्हें सिंपली अगर 10 चैप्टर आ रहा है एग्जाम में तो कोशिश करना है कि 9 चैप्टर ये कंप्लीट करके जाए और ऐसा कंप्लीट करके जाए कि उनमें से कोई भी क्वेश्चन आए ना उन चैप्टर से तो उन्हें आराम से कंप्लीट करके आए एंड अच्छे मार्क्स स्कोर करके आए। इन स्टूडेंट्स को करना क्या कि सिंपली PYQ सॉल्व करना है, एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड इंटेक्स क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेना है। अब यार क्वेश्चन बैंक कौन सा तुम लोगों को लेना चाहिए, गुरुकुल भाई ओसवाल का ये जो क्वेश्चन बैंक है ना, ये बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन बैंक है। इसमें तुम लोगों को चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्रिस्प रिवीजन नोट्स देखने को मिलेंगे, उसके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए इतने सारे क्वेश्चन तुम लोगों को देखने को मिलेंगे ना, जो शायद ही किसी बुक में तुम लोगों को कभी देखने को मिलेंगे। इस बुक को मैंने खुद ही डिटेल्ड वे में एनालाइज किया है, ट्रस्ट में जो क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो अगर एक अच्छा क्वेश्चन बैंक तुम लोग ढूंढ रहे होगे तो गुरुकुल भाई ओसवाल के क्वेश्चन बैंक को रेफर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं तीसरे कैटेगरी के स्टूडेंट की तरफ, कैटेगरी ए वाले स्टूडेंट की तरफ। इनका जो सिलेबस है वो पूरा लगभग में कंप्लीट है, ये टेंशन फ्री है, लेकिन यार टेंशन फ्री गलती से भी मत होना। तुम लोगों का काम क्या है कि क्विक रिवीजन तुम लोगों को पूरे चैप्टर्स का कर लेना है शुरू से एंड तक का, उसके साथ साथ तुम लोगों को क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है, सैंपल पेपर सॉल्व करना है, PYQ सॉल्व करना है, इंटेक्स क्वेश्चन तो भूल से भी मत छोड़ना और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना है। बाकी कैटेगरी ए वाले स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल आइडिया है कि उन्हें टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है, इसलिए अगर उनके पास टाइम है तो वो टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, वो osval.io में जाकर फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि 3 मॉक टेस्ट यहाँ पे फ्री तुम लोगों को मिलते हैं। तो जाओ और osval.io में पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट करने के बाद osval.io में जाओ और मॉक टेस्ट दो और खुद को देखो कि कैसे तुम लोग प्रिपेयर्ड हो एग्जाम के लिए और टाइम मैनेजमेंट तुम लोग अच्छे से कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो यार osval.io की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर से चेकआउट करना। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।